हेलो दोस्तों, मैं मनीष सोनी एक बार पुनः आप लोगों के बीच आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल MKS क्लासेस में सभी का स्वागत करते हैं। आज यह वीडियो नवीं कक्षा के लिए गणित का होगा और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं दो चर रेखिक समीकरण और उसमें से हमने प्रश्नावली 4.1 को कवर कर चुका और आज हम लोग अपने इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं प्रश्नावली 4.2 से। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप 4.1 ना देखे हों तो पहले आप ये वीडियो देखने से पहले 4.1 भली बात समझ लें और उनका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इसके बाद 4.2 आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ हमने आपको बेसिक बताया और साथ ही साथ हमने वहाँ प्रश्नावली भी आपको ख़त्म करवा दिया था। आइए चलते हैं प्रश्नावली 4.2 की तरफ आज, ठीक है ना, क्या कह रहा है। हाँ बच्चा लोग, एक चीज़ और भी है, सब लोग एक काम करिएगा, काम यही करना है आप लोगों को कि बस पेन ले लीजिएगा, रफ ले लीजिएगा और साथ ही साथ पढ़ाई करते रहिए बिना हुए रुके हुए, ठीक है ना। तो चलते हैं भैया, आ जाइए, तैयार हो गए ना आप लोग, शुरू किया जाए, रेडी, आइए। कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों, मतलब निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और कौन असत्य है, सॉरी यही कह रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। y बराबर 3x+5, एक हमारे पास दो चर रेखिक समीकरण है, दो चर, एक 3x चर है और एक y चर है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एक दो चर रेखिक समीकरण है। अब कह रहा है कि ये y बराबर 3x+5 के लिए कौन सा विकल्प सत्य है विद रीजन, ठीक है ना। तो आइए चलते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला चीज, हमारे पास y बराबर 3x+5 है, कह रहा है इसका केवल और केवल एक हल है, एक हल है, नहीं इसके केवल एक हल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, अभी स्पष्ट हो जाएगा। केवल दो हल हैं, ये भी गलत है। तो जब दो गलत हो गया तो तीसरा अपने आप क्या जाएगा भैया, सही जाएगा। अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। कैसे अनेक हल होंगे, ये वाला क्यों सत्य है, तो ध्यान दीजिएगा, y बराबर 3x+5, आप क्या करिए, x का मान 0, 1, 2, 3 डॉट 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 कुछ भी रख दीजिए तो अपने आप किसका मान निकलेगा, मतलब x का मान रख देने से, x का मान रख देने से या x का मान रखने से किसका मान प्राप्त होगा, y का मान प्राप्त होगा। बात समझ में आ रहा है ना, x का मान रखेंगे तो किसका मान निकलेगा, y का मान निकलेगा। तो x के कितने मान पॉसिबल हैं, x के इनफाइनाइट वैल्यू पॉसिबल हैं, क्योंकि यहां से ध्यान दीजिएगा, y, अब मान लेते हैं x का मान 0 कर दीजिए तो y बराबर कितना मुझे मिलेगा, 3 × 0+5, हल करेंगे तो 3 में गुणा करेंगे 0 का तो 0 होगा और इस प्रकार से y का मान कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। अब ध्यान दीजिएगा, y का मान 5 हमें मिल चुका है, जब y का मान 5 मिल चुका है, कब मिला है, जब x का मान 0 पुट किए, x का मान आप 1 पुट कर दीजिए, x का मान जब आप 1 पुट करेंगे तो y इक्वल 3 × 3 और 3 × 5 कितना होता है, 8 होता है। इस प्रकार से हमने y का मान प्राप्त कर लिया। अब जरा देखिए, एक मान हमने क्या किया, जब हमने x का मान 0 पुट किया तो y का मान कितना मुझे मिला, 5 मिला। अब जब x का मान हमने 1 पुट किया तो y का मान हमें कितना मिला, 8 मिला। अच्छा देख लीजिए, क्या इसके हल हैं कि नहीं है, 0, 5, 1, 8 उपरोक्त समीकरण का एक हल है कि नहीं है, तो आइए देख लिया जाए। हमारे पास जो मेन इक्वेशन था y इक्वल था 3x+5, अब क्या है, y का वैल्यू कितना है, 5 है, हमने 5 कर दिया, 3 x का वैल्यू कितना है, 0 है, प्लस 5 है, 5 3 में गुणा करेंगे 0 का कितना होगा, 0 और 0+5 और ये मिलेगा आपको 5। आपको दिख रहा है ना कि जब हमने x का मान 0 पुट किया, y का मान 5 पुट किया, आपने क्या देखा कि ये मान इसको संतुष्ट किया कि नहीं किया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, इसलिए हम कह सकते हैं कि
0.5 इस समीकरण का एक क्या होगा, हल होगा। अच्छा भैया, इसी प्रकार से x का मान 1 पुट कर दीजिए, y का मान 8 पुट कर दीजिए, तब देखिए क्या इसका एक हल है कि नहीं है। तो y का मान कितना है, 8 है, और 3, x का मान कितना है, 1 है, और इसके बाद में कितना है, +5 है। दिस एम्प्लाइज 8, 3 एकन्ने 3, और 3 5 कितना होता है, 8, 8 बराबर 8 है ना। अर्थात जब x का मान 1 रखा, y का मान 8 रखा, तो हमने क्या पाया कि उसके मान का मतलब उसका उस समीकरण का एक क्या हुआ, हल हुआ, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर कितना है, राइट हैंड साइड। तो आप x का कोई भी स्वतंत्र मान रख दीजिए, जिसके फलस्वरूप आपको तुरंत किसका वैल्यू मिल जाएगा, y का। तो x के एक मान नहीं, दो मान नहीं, तीन मान नहीं, चार मान नहीं, अनंत मान है। तो जब x के अनंत मान होंगे, तो जाहिर सी बात है y का भी कितने मान होंगे, अनंत मान होंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि y बराबर 3x+5 के अपरिमित रूप से कितने हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। केवल दो हल है क्या, केवल दो ही हल है क्या, आप कुछ बता दीजिए, अपने मन से बता दीजिए। चलिए आप बताइए, x का मान कितना पुट करें। चलिए भाई, आपने कहा x का मान सर जी आप -2 पुट कर दीजिए, तो आइए x का मान -2 पुट कर दिया जाए, तो कितना मुझे मिलेगा, y इक्वल 3, x का मान -2 +5। आप पाएंगे क्या, 3 दूनी 6 प्लस 5, हल करेंगे y इक्वल कितना मुझे मिला, -1 मिला, मिला ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमने ठीक है ना x के मान को पुट किया -2, तो y का मान हमें कितना मिला, -1 मिला। आइए जरा देखते हैं सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता उपरोक्त इक्वेशंस में। तो आइए, y का मान कितना है भैया, -1 है, 3, x का मान कितना है, -2 +5, और -1, 3 दूना 6 प्लस 5, -1 हल करेंगे तो कितना मिलेगा, -1। अरे भैया ये देख रहे हैं ना आप लोग, -1 -1, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, देन आई कैन से डैट दिस इक्वेशन इज इनफाइनाइट वैल्यू। बात समझ में आ रहा ना, इसके अनंत हल होंगे। कोई किसी को दिक्कत है, हो तो बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मैं जो मान रखा हूँ आप वो भी मान रख लीजिए, और जितने भी आपके मान मन में आए सब रखते जाइए यार। x का मान रखेंगे, उसके तुरंत बाद y का मान अपने आप मिल जाएगा। x के अनंत मान होंगे, y के भी कितने मान होंगे, अनंत मान होंगे। देखिए, कोई समीकरण का कोई हल तबे होगा जब उसके लेफ्ट हैंड साइड बराबर कितने हो जाएं, राइट हैंड साइड। इफ लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल राइट हैंड साइड, देन आई कैन से डैट दिस वैल्यू, ठीक है ना, मतलब यह मान उस समीकरण का एक हल नहीं होगा। बात समझ में तो आ गया होगा, क्यों बच्चा लोग। चलिए भाई, इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा चलते हैं, अभी यहां भी स्पष्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों में से निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के प्रत्येक समीकरण के चार हल लिखिए, चलिए भैया चार हल लिखना है, और चार नहीं जितना मन का है उतना हो लिख लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें 4 वैल्यू ही लिखना है। 2x+y इक्वल हमारे पास है 7, ठीक है ना। ये हमारे पास एक इक्वेशंस है, और ये इक्वेशंस लीनियर है, 2 वेरिएबल है, ठीक है ना, रेखिक भी है, और साथ ही साथ कितने इसमें चर इंक्लूड है भैया, 2 चर हैं। एक चर हमारे पास क्या है, 2x, और एक चर हमारे पास क्या है भैया, y है। तो ये हमारे पास एक समीकरण है, और इस समीकरण में 2 चर हैं, तो इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, 2 चर वाला रेखिक समीकरण, ठीक है ना। अब आइए, हमें इस समीकरण के चार हल ज्ञात करना है। तो पहला काम क्या करेंगे,
वाई का मान निकाल दीजिए। अब कहेंगे सर जी एक्स का मान निकाल दीजिए ना, तो चिंता ना करिए, जितनी भी संभावनाएं हैं सब आपको हम दिखा देंगे, आपका हर एक हेजिटेशन हम दूर करेंगे, बस मेरे साथ आप लोग अंत तक बने रहिए। आइए चलते हैं, सबसे पहला चीज़ हमने कहा वाई का मान निकाल लीजिए। तो ये भैया हाई देखिएगा, प्लस है उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। बात समझ में आ रहा है ना, ये हमारे पास एक समीकरण हो गया, ये क्या हो गया हमारे पास एक समीकरण हो गया। यक्स का मान रख देने से, यक्स का मान आप रखेंगे, यक्स का मान रखने पर, यक्स का मान रखने पर हमें वाई का मान प्राप्त होगा, हमें वाई का मान प्राप्त होगा, मतलब यक्स इनपुट है और वाई आउटपुट है। तो यक्स का कौन सा मान रखेंगे, यक्स का कोई भी मान रखिए, वाई का मान अपने आप मिल जाएगा। तो यक्स का स्वतंत्र मान रखिए, चलिए एक से शुरू करते हैं, जीरो से ही शुरू कर लो। एक्स इक्वल, देखिए एक्स इक्वल जीरो, समीकरण एक में, समीकरण एक में एक्स बराबर जीरो रखने पर, एक्स बराबर जीरो रखने पर वाई इक्वल सेवन माइनस टू, एक्स कितना है जीरो है, तो वाई इक्वल सेवन, दो शून्य शून्य, तो वाई इक्वल कितना मुझे मिला, सात मिला। अतः प्राप्त हल, अतः प्राप्त हल, ठीक है ना, एक्स कामा वाई मतलब जीरो कामा सात होगा, अतः प्राप्त हल जीरो कामा सात है। चलिए ये चीज कर दिए, ये बात समझ में इतना गया ना। अब इसके बाद हमने एक हल प्राप्त कर लिया, ये हमने एक हल प्राप्त कर लिया। अब इसके बाद आते हैं, अब दूसरा हल प्राप्त करते हैं। तो जीरो से स्टार्ट किए हैं, एक ले जा रहे हैं, यार कोई दिक्कत नहीं, जो मन कहे वो करो। पुनः समीकरण एक में एक्स इक्वल एक रखने पर तो मिलेगा कितना, वाई इक्वल सेवन माइनस टू, एक्स का मान वन, तो सात, दो एक कन्या दो, सात में से दो गया पांच, ठीक है ना। अतः प्राप्त हल, अतः प्राप्त हल एक्स कामा वाई एक कामा पांच, इतना बात समझ में आ गया ना। अब इसके बाद आइए पुनः समीकरण एक में, पुनः समीकरण एक में एक्स बराबर दो रखने पर तो वाई इक्वल सेवन माइनस टू, एक्स का मान कितना रखना है दो, तो डायरेक्टली गुणा कर लेते हैं, ठीक है ना, दो दुनी चार, सात में से चार गया कितना बचेगा तीन, तो y इक्वल हमें मिला तीन, y बराबर कितना मुझे मिला तीन मिला ना, अतः प्राप्त हल, अतः प्राप्त हल x कामा वाई, x कामा वाई का मतलब दो कामा तीन। चलिए हमने तीसरा हल प्राप्त किया, एक हल हो गया, दो हल हो गया, अब तीसरा हल जा रहे हैं प्राप्त करने, तो यहां कर दे रहे हैं। आइएगा देखते हैं, पुनः समीकरण एक में, पुनः समीकरण एक में अब की बार x बराबर तीन रखने पर, x बराबर तीन रखने पर तो हमें मिलेगा कितना, y इक्वल सेवन माइनस टू, एक्स का मान कितना है थ्री है, तो सात, ठीक है ना, दो तीन छः, वाई इक्वल वन मिला। अतः प्राप्त हल, अतः प्राप्त हल कितना होगा भैया, प्राप्त हल तीन कामा एक है। ए लाल हमने चार मान प्राप्त किया, पहला मान जीरो कामा सात, दूसरा मान हमने कितना प्राप्त किया एक कामा पांच, तीसरा मान हमने कितना प्राप्त किया दो कामा तीन,
चौथा मान हमने कितना प्राप्त किया, 3.1। ठीक है ना, हमने चार मान प्राप्त कर लिए। मतलब क्या है, मतलब यही है कि समीकरण का चार हल हमने प्राप्त कर लिया। पहला हल 0.7, दूसरा हल 1.5, तीसरा हल 2.3, चौथा हल 3.1। ए हमारे बाबू बच्चा, हल का मतलब क्या होता है? हल का मतलब ये होता है कि उस समीकरण में उपस्थित चर के मान रख देने से यदि दोनों पक्ष, समीकरण के दोनों पक्ष बराबर हो जाएं, तो उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि हाँ, उस समीकरण का एक हल है या उस समीकरण का एक हल होगा। तो हमने तो चार मान तो निकाल दिए, अब इनमें से आप कोई भी मान रख दीजिए, डेट सवर है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगा, चाहे इस समीकरण में चाहे इस समीकरण में। आइए दिखा देते हैं एक मिनट में। जैसे मान यहां रखना है तो आओ, अगर x का मान रख दोगे 0 तो 2 0 0, y का मान 7, 7 में जोड़ोगे 0, 7 मिलेगा, और 7 = 7, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अरे भैया, वही तो मैंने कहा कि कोई हमारे पास समीकरण हो और उस समीकरण का हल होगा, कब होगा, तब होगा, उसकी स्थिति है, उसका शर्त है, जब हम उस समीकरण में उपस्थित चर के मान रख दें, और उस स्थिति में अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो हम कह सकते हैं हाँ, उस पिता का एक पुत्र वो है, मैं उसका प्रूफ कर दिया, मतलब उस समीकरण का एक हल ये है। तो इस प्रकार से ये चार हल हमने निकाल दिया। अच्छा भैया, चार हल ही नहीं होंगे, कितने हल होंगे इस समीकरण के? आप परिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्यों होंगे? आपने देखा ना, हमने कहा यक्ष के स्वतंत्र मान, तो यक्ष का कोई डिफिनिट मान है क्या? यक्ष के इंडिफिनिट वैल्यू है, तो एक्स के जब इंडिफिनिट वैल्यू है तो वाई के भी इंडिफिनिट वैल्यू होंगे। तो उस सिचुएशन में कह सकते हैं कि उस इक्वेशंस के इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, अनंत हल होंगे। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये बात तो आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत? अच्छा भैया, हमने कहा कि y का मान, अच्छा कुछ लोगों के मन में ये आ रहा होगा, सर जी x का मान क्यों नहीं निकाले? तो आइए वो भी दिखा देते हैं, इतना नोट हो गया ना। आइए x के भी मान को एक बार निकाल करके हम आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। जैसे आप किसी एक चर को दूसरे चर में बदल लीजिए, जैसे मान लेते हैं 2x वाले थोड़ा सा झमेला है, क्या झमेला अभी देख लीजिएगा, 2x हाई प्लस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, x के साथ 2 का गुणा, मतलब x जिस चर का मान निकालेंगे उस चर का गुणांक 1 होना चाहिए, और इस चर में गुणांक ऑलरेडी 1 है इसलिए आसानी से मान निकल गया, लेकिन इस चर का गुणांक कितना है, 2 है, तो 2 का गुणा है तो 2 का क्या होगा, भाग होगा। ठीक है ना, तो x का मान मुझे इतना मिला। अब देखिए बटा में आ गया, भिन्नात्मक आ गया। अब y का मान स्वेच्छा से रखिए, x के मान मिलते जाएंगे। जैसे मान लेते हैं y का मान हम रख देते हैं 1, y का मान हमने 1 रख दिया, जब y का मान 1 रख देंगे तो 7 में से 1 गया, कितना बचेगा, 6, और 6/2 कितना होगा, 3 होगा। मतलब जब y का मान 1 रख देंगे तो x का मान 3 मिलेगा, अर्थात इसका एक हल x कामा y, मतलब 3.1। जरा बताइए 3.1 है कि नहीं है? तो कहने का मतलब बच्चा ये है कि आप उस चर का मान निकाले जिसका गुणांक 1 है, और अगर लेग बाय चांस उस समीकरण में चर का कोई भी गुणांक 1 नहीं है तो आप स्वतंत्र है, चाहे x का मान निकाल लीजिए चाहे y का मान निकाल लीजिए, बट इस क्वेश्चन में y का गुणांक 1 था इसलिए आसानी से हमने y का मान x के पदों में कन्वर्ट कर लिया, x के मान हम रखते गए और उसके अनुरूप हमें y के मान मिलते गए, और वही x और y के मान उस समीकरण के हल प्राप्त होते गए, मतलब उस समीकरण के हल प्राप्त हो गए होते गए। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, वीडियो को पॉज करके आप लोग, ठीक है ना, नोट कर लिया कीजिए, या आप लोग दूसरा तरीका क्या है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी सही कॉपी में नोट कर लिया कीजिए।
क्वेश्चन नंबर हमारे पास दूसरा है, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है पाई एक्स प्लस वाई इक्वल 9, ठीक है ना। अब देखिए इस चर यक्स का गुणांक कितना है वाई, और इस चर वाई का गुणांक कितना है एक। इस चर यक्स का गुणांक पाई है और इस चर वाई का गुणांक कितना है एक। तो हमने कहा था कि जिसका गुणांक एक हो वो सरलता से निकल जाता है, तो वाई का मान एक्स के पदों में, तो 9 प्लस है तो जाएगा उधर, क्या हो जाएगा माइनस। तो ये इस प्रकार से समीकरण एक हो गया, ठीक है ना। चलिए समीकरण एक में, समीकरण एक में एक्स इक्वल जीरो रखने पर, ठीक है ना, तो वाई इक्वल कितना मुझे मिलेगा 9 माइनस एक्स का मान जीरो, तो पाई में गुणा करेंगे जीरो का तो जीरो ही होगा। तो इस प्रकार से वाई का मान हमें कितना मिला 9 मिल चुका है, ठीक है ना। कैलकुलेशन थोड़ा सा अपने माइंड में भी कर लिया कीजिए। और अतः प्राप्त हल डायरेक्टली लिख रहे हैं, ठीक है ना भैया, प्राप्त हल 0 का मान कितना हो गया 9 हो गया। इसी प्रकार या पुनः समीकरण एक में, पुनः समीकरण एक में यक्स इक्वल एक रखने पर आप निगेटिव वैल्यू भी रख सकते हैं, एक रखने पर वाई इक्वल 9 माइनस पाई यक्स का मान कितना है एक है, तो वाई इक्वल 9 पाई कन्य पाई, 9 में से पाई तो घटेगा नहीं, तो इस प्रकार से वाई का मान इतना हो गया। अतः प्राप्त हल एक कामा, ठीक है ना, एक कामा 9 माइनस पाई। एक साथ दो ब्रेकेट का हम लोग प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस चीज़ को हमने मझले ब्रेकेट में कर लिया। इसके बाद आइएगा, इतना तो क्लियर हो गया है ना। अब इसके बाद में पुनः समीकरण एक में एक्स इक्वल 2 रखने पर, पुनः समीकरण एक में एक्स बराबर 2 रखने पर, तो वाई बराबर 9 माइनस पाई एक्स का वैल्यू कितना है आपके पास 2 है, तो वाई इक्वल 2 पाई हो जाएगा, 9 माइनस 2 पाई घटने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से प्राप्त हल हमारे पास कितना हुआ, एक्स का मान मुझे मिला, एक्स का मान 2 रखा तो उसके अनुरूप वाई का मान हमें कितना मिला 9 माइनस 2 पाई मिला। इतना बात तो स्पष्ट हो गया होगा। अब इसके बाद में पुनः समीकरण एक में एक्स इक्वल 2 तक तो हो गया है, एक्स इक्वल 3 रखने पर तो हो जाएगा वाई इक्वल 9 माइनस पाई, एक्स का मान कितना है 3, तो वाई इक्वल 9 माइनस 3 पाई। तो इस प्रकार से हमने y के भी वैल्यू को प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार से प्राप्त हल 3 कामा 9 माइनस 3 पाई। एक साथ दो ब्रेकेट का हम लोग यूज नहीं करते हैं, अच्छा नहीं लगता है। तो इस प्रकार से एक हल यहाँ से हो गया, कितने हल मुझे प्राप्त हुए 1, 2, 3 और ये 4 हल हमने प्राप्त कर लिया, जो कि क्वेश्चंस में आपका यही कहा था। हमने कुछ किया नहीं है, हमने y का मान निकाला x के पदों में और x के वैल्यू को हम रखते गए और उसके अनुरूप y का मान मिलता गया, और इसके फलस्वरूप वो दिए गए क्वेश्चंस के हमें हल मिलते गए। जिस मान को कहिए उस मान के लिए हम एक क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर दे। तो आइए चलते हैं, इसी मान को लेकर के हम सेटिस्फाई करते हैं, चाहे यहाँ रख दीजिए चाहे यहाँ रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम यहाँ भी रख देते हैं और एक बार यहाँ भी रख देते हैं, दोनों बात तो एक है ना। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इससे हुई है, तो चाहे इसमें रखो चाहे इसमें रखो बात तो इक्वल है। तो आइए पाई यक्स का मान कितना है, यक्स का मान 3 है प्लस, ठीक है ना, वाई, वाई का मान कितना है 9 माइनस 3 पाई, और इक्वल कितना आपके पास है 9, 3 पाई हो जाएगा प्लस 9 माइनस 3 पाई बराबर 9, प्लस 3 पाई माइनस 3 पाई प्लस 3 पाई कैंसिल, और 9 बराबर 9 लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर हो गया, राइट हैंड साइड। तो हम कह सकते हैं
किस उपरोक्त समीकरण मतलब पाई एक्स प्लस वाई इक्वल नाइन का एक हल 3(9-3π) है। कोई दिक्कत? समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर हमारे पास थर्ड है। किसी को कोई समस्या हो तो भैया आप लोग एक बार पुनः हमसे पूछ लिया करिए, पूछने में कोई दिक्कत ना करे आप लोग। डॉक्टर से और मास्टर से अपनी मर्ज कभी मतलब छिपाइए, छिपाएंगे तो गड्ढे में गिरेंगे। अगर पढ़ाई करना है, कुछ बनना है, तो अपने अंदर की कमियों को सर जी से शेयर करना है, तबे तो सर जी दवा कर पाएंगे उस चीज़ का। थर्ड है आपके पास, भैया एक काम कर दिया कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो दूसरे बच्चों के पास भी शेयर कर दिया कीजिए, केवल अपने मत देखिए, सबका भला करिए। हम सबका भला कर रहे हैं, पार्टिकुलर किसी एक का नहीं, क्योंकि यूट्यूब पर हम काम कर रहे हैं, ठीक है ना। और यूट्यूब पार्टिकुलर कोई एक नहीं, जो मन का है वो देख सकता है। एक्स इक्वल फोर वाई, एक्स इक्वल फोर वाई, तो हम अब की बार वाई के मान को रखेंगे, एक्स के मान अपने आप मिल जाएंगे। तो वाई इक्वल एक रखने पर, तो एक्स इक्वल चार करने चार, तो पहला मान 4(1) मिला। y बराबर 2, तो 4 दुनी कितना मिल जाएगा 8, तो x बराबर इसे समीकरण एक कर दे रहे हैं, ठीक है ना। समीकरण एक में y बराबर 2 रखने पर, चलो भैया इसको हमने डेकोरेट कर दिया। समीकरण एक में लिखना डेकोरेट होता है यार। समीकरण एक में y बराबर 2 रखने पर कितना मिलेगा, x इक्वल 4, y का मान 2, तो 4 दुनी 8, तो प्राप्त दूसरा हल कितना हो जाएगा 8(2), ठीक है ना। इसके बाद में ऐसे रखते हुए चले जाइएगा यार, कोई दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत होगा तो मैं हूँ, ठीक है ना। आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास थर्ड है। अरे भैया गर्मी है और बरसात भी खूब हो रहा है। चलिए बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x-2y=4 के हल हैं और कौन कौन नहीं हैं हल। तो कोई दिक्कत नहीं है यार, अगर ऊपर वाला समझ में आ गया x-2y=4, ठीक है ना, बताना इसके कौन कौन हल हैं। एक 0(2) और दूसरा है 2(0) और तीसरा आपके पास है 4(0) और चौथा आपके पास है क्या, ठीक है ना, √2(4√2) और पांचवा आपके पास क्या है भैया, 1(1). एक शायरी है दिलवाले मूवी की, हमें अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम था। इसका ये मतलब है लोग अपनों से हारते हैं, दूसरे की किसी के औकात नहीं कि हरा दे किसी बंदे को। भाई एक पिता अपने पुत्र से ही हारता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये बताना है कि हमारे पास पिताजी हैं और इस पिता के कौन कौन संतान हैं। बात समझ में आ रहा ना। अब पिता का मतलब हो गया एक दो चार रेखिक समीकरण, हम बताना इसका कौन कौन हल है। मतलब एक पिता है, दिखाना है, प्रमाण करना है कि इस पिता के कितने पुत्र हैं। तो आइए देखते हैं, एक्स पहला देखते हैं 0(2), मतलब ये एक्स का वैल्यू होगा और ये किसका वैल्यू होगा, वाई का होगा। तो एक्स बराबर 0, y बराबर 2 समीकरण एक में रखने पर, तो x का मान 0, 2y का मान है 2, बराबर है 4। दिस एम्प्लाइज यहाँ से 2 दुनी 4, ठीक है ना। तो इस प्रकार से 0-4, 4, तो हल करेंगे -4 = 4, ठीक है ना। तो स्पष्ट है -4 4 के बराबर है क्या, नहीं है। अतः इस समीकरण का एक हल 0(2) नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना, इस समीकरण का एक हल 0(2) नहीं है। चलिए मतलब ये इसका संतान नहीं है। अब इसके बाद में, ठीक है ना, समीकरण एक में, चलो लेखनी भी लिख दे रहे हैं, समीकरण एक में x बराबर 2 वाई बराबर 0 रखने पर, तो आइए x का मान कितना रख दें 2, फिर 2, y का मान कितना, लाइट गई, चलिए भाई लाइट चली गई थी। अब आइएगा यहाँ से y का मान कितना आपके पास है, 0 है,
इक्वल फोर, अच्छा दो माइनस दो शून्य शून्य चार, और क्या दो चार के बराबर है? नहीं है। अतः दो कामा जीरो समीकरण एक का हल नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है ना? मतलब x और y का मान रख देने से अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो जाए तो हम आसानी से कह देंगे कि हाँ उसका एक हल है। तो आइए अब चार का मान जीरो के लिए करते हैं। तो x बराबर चार और y बराबर जीरो इस समीकरण एक में रख दीजिए। चार माइनस दो, वाई का मान कितना आपके पास है? जीरो बराबर चार, और चार दो शून्य शून्य चार, और चार बराबर चार है कि नहीं है? है। अतः चार कामा जीरो इस समीकरण का एक हल होगा। मतलब ये इसका संतान है, ये भी नहीं था। अगला बारी आता है, ठीक है ना, रूट टू फोर रूट टू। इसको मैं अच्छे से लिखूंगा क्योंकि रूट आ गया तो भाई डर तो लगेगा ही लगेगा। आइए एक्स बराबर रूट टू व वाई इक्वल फोर रूट टू समीकरण एक में रखने पर तो क्या होगा? वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा, ठीक है ना। तो मंजूरे खुदा नहीं, अभी देखिए क्या होने वाला है। x का मान रूट टू माइनस टू, वाई का मान कितना है? फोर रूट टू है ना भैया, और बराबर ये हमारे पास फोर है। अब आइएगा रूट टू, और यहाँ से चार दुनिया आठ रूट टू, कभी भी ये चार के बराबर नहीं हो सकता है, कुछ और होगा, कुछ और होगा, उससे मुझे मतलब नहीं है। ये डेट सवर है कि ये चार के बराबर कभी नहीं होगा। तो इस कंडीशन से मैं कह सकते हैं आता रूट टू कामा फोर रूट टू इस समीकरण का एक हल नहीं होगा। अब हमारे पास लास्ट बनता है ऑप्शन एक कामा एक, तो चुपचाप रख दिया जाए। एक्स का मान एक कर दिया और वाई का भी मान एक कर दिया, इसको हल करेंगे तो चार के बराबर सेवर है नहीं आएगा, क्योंकि ये किसके बराबर आएगा? एक माइनस दो इज नॉट इक्वल चार, माइनस एक कहाँ चार के बराबर है? नहीं है ना। तो इसका भी एक हल ये चीज नहीं होगा। समझ में आया है ना। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ, जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर फोर, के का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है के का मान ज्ञात कीजिए, के का मान ज्ञात कीजिए जबकि यक्स बराबर दो वाई बराबर एक समीकरण टू यक्स प्लस थ्री वाई, टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल के का एक हल हो, का एक हल हो। तो घबराने की कोई बात नहीं है, बड़ी आसानी से लगेगा। लिख देंगे चूंकि समीकरण टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल के का एक हल कौन कौन है, ठीक है ना, सॉरी k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर दो y बराबर एक। तो आइए समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल k में x बराबर दो y बराबर एक रखने पर, तो बड़ा आसानी से आ जाएगा, दो x का मान दो, 3 y का मान एक बराबर k। दिस एम्प्लाइज दो दुनी चार, तीन कन्या तीन, तो दिस एम्प्लाइज k बराबर चार तीन सात, हमने k का मान प्राप्त कर लिया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने आज प्रश्नावली 4.2 को भी कवर किया। जो हमारा अगला वीडियो होगा वो प्रश्नावली 4.3 का होगा, और उसमें कुछ नया सीखेंगे हम लोग। ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, और कमेंट में लिखिए सर समझ में आ गया, नहीं समझ में आया सर नहीं समझ में आया। उसके बाद भी हमारे आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर 9670 2032 72 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, वहाँ से भी हम आपको हल करवा सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो तुरंत हमसे आप शेयर करिए, हम उस चीज़ का निदान करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। और एक चीज़ और है, आपके अगर बड़े भैया होंगे मतलब 10th 11th 12th, तो हमारे इस चैनल मतलब MKS क्लासेज पर आपको 10th की मैथ मिल जाएगी, 11th की मैथ मिल जाएगी,
ट्वेल्थ की मैथ मिल जाएगी और साथ ही साथ आपको फिजिक्स की भी क्लासे अवेलेबल कर दी जाएंगी, ठीक है ना, मतलब कर दी गई हैं। इन फ्यूचर्स ये चीज़ कंटिन्यू रहेगा, ठीक है ना। तब तक के लिए सभी दोस्तों से नमस्कार।